Hello dear, welcome to Kessel Campus. In this lecture, we will discuss about forecasting. This is our first lecture of forecasting. And in this, we will also discuss the necessity of forecasting. Forecasting और उसकी ज़रूरत क्या है हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज को क्या ज़रूरत है, या फिर सर्विस बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फॉरकास्टिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इससे जनरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फॉरकास्टिंग मेथड से यूज करके न्यूमेरिकल बनाने आ जाता है हमेशा, एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, वेटेड एवरेज है, ये सारे का यूज करके न्यूमेरिकल बनाने आता है, या फिर फॉरकास्टिंग टॉपिक से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछता है, या फिर एमसीक्यूज में भी सब्जेक्टिव टाइप पूछ देता है और चार ऑप्शन उसके देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो फॉरकास्टिंग की डेफिनेशन, तो हमारे पास ये दे रखा है, फॉरकास्टिंग कैन बी टर्म्ड एज प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल्स, मतलब फॉरकास्टिंग में करते हैं प्रेडिक्ट करते हैं हम फ्यूचर सेल्स का, फ्यूचर डिमांड्स का फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसकी फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है या फिर कितनी सेल होने वाली है, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ ए प्रोजेक्शन बेस्ड अपॉन पास्ट डेटा एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन जजमेंट, मतलब दो चीज़ों पे बेस्ड होता है जिसमें हमारा जो प्रेडिक्शन होता है, एक तो पास्ट डेटा हमारे पास, जो मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पास्ट डेटा क्या रहा है डिमांड का या फिर सेल्स का, और बेस्ड ऑन ह्यूमन जजमेंट, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स की को का पैनल बना के और उनको बैठाते हैं, फिर उनसे अलग अलग सवाल करते हैं और पूछते हैं अलग अलग उनसे जवाब, और सारे फ्री माइंड होते हैं कि कुछ भी जो उनके मन में जवाब दे सकते हैं, लाइक दैट। तो ह्यूमन जजमेंट और पास्ट डेटा का यूज करके फॉरकास्टिंग जनरली हम करते हैं। अब देखेंगे कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए ह्यूमन जजमेंट यूज़ करते हैं और पास्ट डेटा यूज करते हैं, आगे के लेक्चर में देखेंगे जो टाइप्स ऑफ फॉरकास्टिंग पढ़ेंगे। तो अब आइए देखते हैं नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरकास्टिंग, क्या नीड पड़ गई हमें और क्या इसकी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन रेट, मतलब हमें कितना प्रोडक्शन करना है फ्यूचर में और किस रेट से करना है, दोनों चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में ये हमें हेल्पफुल है और डिटरमाइन करने में हेल्पफुल है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, किस रेट से प्रोड्यूस करना है, बिकॉज हमें इससे सेल्स की, फ्यूचर सेल्स की और फ्यूचर डिमांड्स की पता लग रही है, तो आप इसे प्रेडिक्ट कर ही सकते हो कितना प्रोडक्शन करना है। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट एंड मटेरियल बजट, मतलब एक बेसिस बनाता है कि हमें आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बजट कितना रखना है, लेबर बजट कितना रखना है और मटेरियल बजट कितना रखना है। तो आपको पता ही है जब ये वॉल्यूम के बारे में प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन रेट के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा है, तो एक तरीके से वही हो गया कि प्रोडक्शन बजट आपको पता चलेगा और लेबर बजट भी पता चलेगा कि इतना हमें प्रोडक्ट बनाना है फ्यूचर में, तो लेबर बजट हमारा ये रहना चाहिए, मटेरियल बजट ये रहना चाहिए क्योंकि इतनी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है जितना प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि थर्ड पॉइंट, वो है इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट होती है उसके लिए भी फॉरकास्टिंग नेसेसरी है, क्योंकि फ्यूचर में डिमांड किस टाइप का होने वाला है ये प्रिडिक्ट करता है। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, इट सजेस्ट द नीड फॉर प्लांट एक्सपेंशन, मतलब जो प्लांट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर जो हम सेटअप कर रहे हैं, क्या उसे एक्सपेंड करना पड़ेगा या फिर उतना ही में हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज अगर कहीं फॉरकास्टिंग के हेल्प से हमें पता चला कि हमारा जो है डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है एट ए ह्यूज स्केल, तो हमें क्या करना होगा, अपना प्लांट का एक्सपेंशन करना होगा सो दैट हमारा प्रोडक्शन यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स में, तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब जो फ्यूचर में डिमांड रहेगी। तो ऐसा तो नहीं, मतलब आप तो नहीं करोगे कि आपका जितना सेल हो रहा है और जितना प्रॉफिट हो रहा है, पूरा का पूरा पैसा जो प्रॉफिट हो रहा है, फिर उससे ज़्यादा ही पैसा आप एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दोगे, मार्केटिंग में खर्च कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च कर दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा? आप वर्कर्स को क्या दोगे, लेबरर्स को क्या दोगे, हायर ऑफिशियल्स को सैलरी क्या दोगे? अपने घर से तो नहीं दोगे। तो ये एक तरीके से आपको ये भी बताता है कि कितना एक्सटेंड तक मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, या फिर डिमांड कितनी रहने वाली है। तो अगर इस साल डिमांड घटने वाली है तो यानी हमें एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा जगह पे बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ओके, नाउ अब जो हमारा टॉपिक है, कुछ डिमांड्स के टाइप्स देख लेते हैं कि अलग अलग डिमांड किस टाइप के होते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला हमारे पास डिमांड वेरिएशन का टाइप है, ट्रेंड वेरिएशन, जिसको कि टी से हम डिनोट करते हैं। और ये क्या करता है, जो ट्रेंड वेरिएशन है, इट शोज़ ए लॉन्ग टर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड पैटर्न ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब एक लंबे समय के बाद जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट में, उसके डिमांड पैटर्न के में, तो उसे ट्रेंड वेरिएशन कहते हैं और टी से डिनोट करते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसमें लॉन्ग टर्म के बाद अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, कुछ लॉन्ग टर्म के बाद यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 2 साल, 10 साल, ऐसे इस टाइप से, मतलब 5 साल से ऊपर ही लगाओ कि डिमांड का वेरिएशन एक साइक्लिकली वेरी करेगा इन ए लॉन्ग टाइम अपवर्ड डाउनवर्ड, और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। ठीक, नाउ जो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास वेरिएशन है वो सीजनल वेरिएशन। सीजनल मतलब आप जानते हो, मौसम के साथ। तो इट शोज ए शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे और डे ऑफ ए वीक। मतलब एक दिन के पर्टिकुलर टाइम पे या फिर एक वीक के एक पर्टिकुलर दिन में वेरिएशन कैसे आता है, जैसे कि आप संडे के दिन देखते होगे कि ज़्यादा एक ही बार डिमांड आपका इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर मंडे से को डिमांड डिक्रीज हो जाता है, फिर ट्यूसडे से थोड़ा नॉर्मल चलता है, इस टाइप से वेरिएशन होता है। और सीजन वाइज सीजन भी होता है, जैसे कि आप देखते होगे कि सब्जियों के ही देख लो, जनवरी मंथ्स में जो अलग अलग सब्जियां बिकती हैं, फिर अगर गर्मी का मौसम आता है उसमें अलग अलग सब्जियां बिकती हैं, अलग अलग सब्जियों का डिमांड रहता है, और क्योंकि अलग अलग सब्जियां होती हैं। और उसके अलावा आप देख लो स्वेटर्स, जो सिर्फ उसकी डिमांड कब आएगी, सर्दियों के मौसम में आएगी। आप मई के महीने में जाकर स्वेटर की दुकान लगा दोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, कोई स्वेटर का डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो सीजनल वेरिएशन भी आते हैं। अब नाउ साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन जो है, इट शोज ए लॉन्ग टर्म वेव लाइक वेरिएशन नॉर्मली फॉर ए ईयर और मोर। मतलब एक साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में इसकी वेरिएशन को शो करता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे इसके ग्राफ में। जैसे कि आपने देखा होगा कूलर और फ्रिज जैसे मार्केट में जो अवेलेबल रहते हैं, तो गर्मी के दिन में अधिकांश मतलब पीक लेवल पे उसकी डिमांड आ जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है उसकी डिमांड डिक्रीज होने लगती है और एक लोएस्ट लेवल पे जाती है। और फिर जैसे फरवरी मार्च का आता है उसकी डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और जून जुलाई आते आते उस या फिर मई जून में उसकी डिमांड पीक पे हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से वेरी होती है। तो इस टाइप के वेव लाइक वेरिएशन को साइक्लिक वेरिएशन बोलते हैं और सी से डिनोट करते हैं। नाउ जो हमारे पास फोर्थ टाइप का वेरिएशन है उसको बोलते हैं लेवल, जिसको एल से डिनोट करते हैं, या फिर कांस्टेंट। मतलब एक कांस्टेंट रेट से चलता है डिमांड, जो द डिमांड ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर्स। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनाए तो ये कांस्टेंट रहता है, एक नॉर्मल तरीके से चलता है। जैसे आप देख लो राइस की, वीट की डिमांड तो एक कांस्टेंट तरीके से चलती है, बिकॉज ये ऐसा होता है कि हमेशा इसकी रिक्वायर्ड है, हमेशा लोग इसको खाते हैं, रोज़ घर में बनना है, तो इसकी एक कांस्टेंट टाइप से जो है डिमांड रहेगी, ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नाउ जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप का वेरिएशन है इसको बोलते हैं
इरेगुलर वेरिएशन आई से डिनोट करते हैं। इरेगुलर वेरिएशन मतलब सडन वेरिएशन हो जाता है, जस्ट लाइक दैट चल रहा है हमारा डिमांड पैटर्न ये, और सडन वेरिएशन हुआ, फिर सडन डिक्रीज हो गया, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज, और फिर उसी रेट से चलने लगा। तो ये कब होता है? दीज आर कॉज ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, मतलब नॉर्मल बिहेवियर के जैसा नहीं है और सडन होता है। दिस मे बी ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, प्राइस हाइक, स्ट्राइक, शटडाउन एट्सेट्रा, दिस आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड व्हाइल फॉरकास्टिंग। तो आपको ये चीज़ अभी बेस्ट समझ में आएगा, मतलब कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, या फिर आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जैसे BS4 इंजन्स गाड़ियों में नेसेसरी हो गया, तो BS3 की जितनी गाड़ियां थीं उनका डिमांड एकाएक डिक्रीज हो गया, मतलब रातों रात डिक्रीज हुआ, और ऐसा हुआ कि 10,000, 20,000, 5,000 के छूट में गाड़ियां बिकने लगी, और कुछ कंपनी तो अपनी गाड़ियां वापस मंगा ली, फिर BS3 इंजन हटा के BS4 इंस्टॉल करके वापस से मार्केट में उनको डाला, सो दैट गाड़ियाँ बिक सके, BS3 की डिमांड घट गई। उसी तरीके से अभी लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, इसमें क्या है, डिमांड में एकाएक गिरावट आया है, और फिर इंक्रीज होगा बाद में, और फिर नॉर्मल होगा जब कोरोना वायरस का जो खतरा है ख़त्म होगा। नाउ ये जो टॉपिक बोल रखा है, दिस आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड वाइल फॉरकास्टिंग, मतलब जब ये फॉरकास्टिंग करते हैं तो इस टाइप के इरेगुलर वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो जो पहले फॉरकास्टिंग हो चुकी होगी लॉकडाउन के पहले, वो सारी फॉरकास्टिंग इस बार इस ईयर में यानी 2020 में फेल हो रही है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ COVID-19 कोरोना वायरस। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।